हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो पे। और अभी मैं फिलहाल बाहर आया हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ पे मैं आता हूँ ऐसी। और यहाँ पे मैं थोड़ा शांत, ये शांति जगह है इसलिए यहाँ पे आके मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो यहीं पे मैं अभी आया हुआ था और मैं आपको सामने जनरेटर दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का। ये क्या है, जब चलता है ना तो आवाज़ आती नहीं है। और मैं यहाँ पे 11 बजे का आ रखा हूँ, और मैं आपको बता दूँ यहाँ मैं 11 बजे का आ रखा हूँ और अभी टाइम हो गया है कम से कम 12:30, क्योंकि ये जनरेटर चलता है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था लाइट सप्लाई होती है यहाँ से, तो इसके वजह से जनरेटर चलने की वजह से आवाज़ आती नहीं है, बहुत ज़ोर का आवाज़ करता है ये। तो मैं कुछ वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, तो उस आवाज़ के कारण वीडियो बन नहीं पा रही थी। अगर मैं बना भी देता तो फिर बैकग्राउंड में वो अजीब सी आवाज़ आती रहती, तो मज़ा नहीं आता। तो फिलहाल बंद हो चुका है वो जनरेटर और अभी अपन अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो आज कुछ इस टॉपिक पे है, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि अपन मोटो ब्लॉगिंग करेंगे कभी कभार, तो उस चीज़ के लिए मैं आज आपको अपनी बाइक की कंडीशन दिखाने के लिए लेके आया था। तो ये रही अपनी बाइक, मैं आपको पहले कंडीशन दिखाता हूँ इसके और इसके बारे में बताता हूँ कि क्या कैसा है। तो बता दूं कि अपने पास अभी कोई स्पोर्ट बाइक तो है नहीं कोई बढ़िया सी, तो अपन पहले पल्सर पे ही ट्राई करेंगे और करेंगे मोटो ब्लॉगिंग उसी पे। तो पहले मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। गाइस, ये है अपनी पल्सर और इस पे अपन करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। पहले कंडीशन ये है कि गाइस मैं आपको बता दूं, पहले तो गाइस फिलहाल बाइक की कंडीशन बहुत बेकार हो रखी है, क्योंकि ये धुली भी नहीं है, बहुत टाइम से बारिश का टाइम है, तो मैं धुलवा भी नहीं पा रहा हूँ। धुलवा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फिर अपन धुलवाएंगे, दोबारा वॉश करवाएंगे, फिर गंदी हो जाएगी। तो अभी बहुत टाइम से रखी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ बारिश आगे पूरी कंप्लीट रुक जाए इस महीने की, तो उसके बाद अपन दोबारा इसको धुलवाना चालू करेंगे। और क्या क्या अपन को इसमें अभी काम करवाना है तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस, अपन पहले पीछे से चालू करेंगे। जैसे कि देखो एक होता क्या है बाइक में, ये पीछे की जो लाइट है, ये इंडिकेटर वाली जो लाइटें होती है ना, ये जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि धसकों की वजह से ये जल्दी टूट जाया करती हैं। अभी देखो इस पर ये रैपर चढ़ाई हुआ है इसकी पन्नी, तो ये मैंने अभी नया लगवाया था और ये भी टूट गया था जब मैंने इसको नया लगवाया। और उसके बाद जब ये लगाया तो ये 2-3 दिन 4 दिन पहले ये भी टूट गया, क्योंकि अभी इसमें भी अभी इंडिकेटर लगवाना है, एक और नया लगवाना पड़ेगा। और ये टूटा और कहाँ पे गिरा पता भी नहीं चला। तो ये है कुछ कंडीशन। और ये जो आप ये ग्रीन देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ BSF कैंपस में यहाँ पे जल्दी से गणेश जी का विसर्जन कर देते, तो वहाँ पे विसर्जन करने के लिए आए थे, तो ये गुलाल फेंक रहे थे, तो मेरी गाड़ी पे गुलाल गिर गया था, तो इसी का है, तो अभी तक धुलवाई नहीं है। और दूसरा गाइस, इसमें पल्सर में इसके चैन में कोई दिक्कत है, जब मैं चलाता हूँ तो खट खट करती है, तो ये भी अपन को एक बार चेक कराना। और इसके दोनों शॉकर पीछे के चले गए हैं, तो ये भी अपन को चेक करवाना है, ये वाले ये पीछे के दोनों, तो ये चले गए हैं, तो इनको चेक कराने, क्योंकि ये धचकों में बहुत अजीब सी आवाज़ करती है। और ये पूरा नीचे का ये पूरा दोनों ये टच होता है, ये ढीला हो गया है और यहाँ से ये फट भी गया है, जैसे ये है बिल्कुल ही अजीब सा होता है। ये क्या होता है ना गाइस, जैसे ये जैसे कांच देख रहे हो हिल रहा है, तो ये जैसे कोई दोस्त मिलेगा, अपन ने गाड़ी रोक ली, अब वो क्या है यहाँ पर खड़े हो गए बात करता रहेगा और ये ऐसे कांच हिलाता रहेगा, हमेशा ये ढीला हो जाता है, फिर मैं टाइट करवाता हूँ, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बार बार करवाने में फिर। सो गाइस, उसके बाद बचती है ये चाबी। जैसे चाबी आप देख रहे हो, इस चाबी की हालत क्या है और ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 2 चाबियाँ थी और ये डुप्लीकेट चाबी थी जो कि मैंने ये बनवाई थी, क्योंकि पहले वाली एक बार खो गई थी। और कल परसों क्या हुआ, ये जो लॉक देख रहे हो ना आप, ये देखो मैंने ऑन कर दी, गाड़ी ऑन हो गई, ये फिर भी निकल रही है। तो एक चाबी कल परसों क्या है, चलाते चलाते शायद धचके में ही ये एक चाबी निकल रही है, तो एक चाबी वो गिर गई और ये दूसरी पड़ी हुई थी। अच्छा हुआ ये घर में पड़ी हुई थी, वरना मेरे को फिर ये गाड़ी मेरे को कैसे चालू होती, मेरे को दूसरी बनवानी पड़ती। तो ये चाबी थी तो ये बन गई, तो अपन को इसका पूरा लॉक चेंज करवाना है, पूरा लॉक चेंज कराना, ताकि ये चाबी इस तरीके से निकले नहीं। और इसमें करवानी है इसकी सर्विसिंग, गाड़ी की इंजन की, और सर्विसिंग नया, क्योंकि मैंने कुछ पता नहीं जाने कितने महीने हो गए, 9 महीनों से मैंने इसकी सर्विसिंग भी नहीं करवाई है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा था, इस वजह से धूप बहुत पड़ रही थी। और अभी बारिश का मौसम आया तो फिर बारिश रुक गई है अभी थोड़े दिनों के लिए, फिर इसका ये भी निकल गया है, तो अपन को ये भी डलवाना है एक, तो पूरी चिकनी करवानी है बहुत अच्छी तरह, तभी आएगा मोटो ब्लॉगिंग में। अपन इसको वॉश भी करवा देंगे और इसका काम करवा देंगे, उसके बाद करेंगे इसमें मोटो ब्लॉगिंग, ताकि मज़ा आए देखने में भी। और अभी अपने पास कोई स्पोर्ट बाइक तो है नहीं महंगी कोई स्पोर्ट बाइक, तो फिलहाल अपन इसी में करेंगे। और अपने पास गाइस हेलमेट भी नहीं है, हेलमेट एक है जो कि मैंने एक बार जब मैंने हेलमेट लिया था वैसे, तो वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए नहीं लिया था, लेकिन तो है ना मैंने वो मतलब लार्ज साइज ले लिया था, तो मोटो ब्लॉगिंग में वो क्या है, हेलमेट फिर हिलेगा इधर उधर, तो वो अपने काम का नहीं है। सो
सो गाइस वो हेलमेट तो अपने काम का है नहीं, जैसा कि आपने किसी किसी ब्लॉग में देखा भी होगा मेरे पास जो हेलमेट है ग्रीन कलर का, तो वो अपने काम का नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा लार्ज साइज का है, तो अपन को फिट साइज चाहिए जिसमें अपन मोटो ब्लॉगिंग के लिए माउंट वगैरह सेट कर सकें और वो हिले भी नहीं, तो अपन को ऐसा हेलमेट भी चाहिए। अगर मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि मैं हेलमेट, क्योंकि हेलमेट तो फिर 2500-3000 के भी आते हैं, लेकिन मैं इतना महंगा लूँगा नहीं। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कोई अच्छा ही लूँगा, सस्ता ही लूँगा, मतलब अच्छा लूँगा और ज़्यादा महंगा नहीं और ज़्यादा सस्ता भी नहीं लूँगा, और जिसमें माइक वगैरह भी फिट हो जाए तो वैसा ही मैं लूँगा, लेकिन ज़्यादा लुक वाइज नहीं लूँगा मैं, जिसमें ज़्यादा लुक होते हैं वो वाला मैं नहीं लूँगा, तो नॉर्मल ही लूँगा। तो उसके बाद फिर करेंगे अपन मोटो ब्लॉगिंग जिस दिन मैं हेलमेट वगैरह लेके आऊँगा, अभी मैंने लिया भी नहीं है, तो मैं हेलमेट ले लूँगा उसके बाद करेंगे अपन। तो यही कुछ मोटो ब्लॉगिंग के लिए कुछ जो सेटअप थे वो मैंने आपको बताया, अभी सेटअप ये तैयार हो जाए तो उसके बाद अपन करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। मैं सब कुछ पहले तैयार कर लेता हूँ, ले लेता हूँ आज नहीं, लेकिन आज ये वीडियो कब अपलोड होगी ये मुझे नहीं पता, बट जैसे ही मैं ले लूँगा सब कुछ तो उस वगैरह ठीक करवाने जाऊँगा और हेलमेट वगैरह लूँगा तो उस दिन का ब्लॉग ज़रूर आएगा। तो और फिलहाल तो इस ब्लॉग का लेंथ बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने शायद। चलो अपन लोग एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जो आपके मन में आए कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।